गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमने पाठ को समझा है ना। पाठ के अंदर क्या है, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे गांव की परेशानी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। अब कैसे करते हैं, और यहाँ पर एक और बात समझने की है कि छोटे बच्चे काम करते हैं तो इन्हें देखकर बड़े भी उसमें शामिल हो जाते हैं। हर जगह पर तो ऐसा होता है कि बड़े काम करते हैं तो छोटे शामिल होते हैं। यहाँ इस लेसन के अंदर छोटे बच्चे को काम करते देखते हुए बड़े शामिल हो जाते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो आप भी जहाँ पर कोई कुछ न करे तो आप शुरुआत करो, आपके पीछे और आ जाएंगे और एक अच्छी चीज हमारे पास आ जाएगी या बनेगी। तो लेसन को हमने समझा। लेसन के अंदर ज्यादातर से पानी की प्रयोग यानी कि पानी की बात की है, और वैसे भी हम देखते हैं, जानते हैं कि पानी हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। सभी जगह पर पानी चाहिए। खाना बनाना है, पानी चाहिए। खाना खाया, पानी चाहिए। प्यास लगी, पानी चाहिए। तो हर जगह पर हमें पानी चाहिए ही चाहिए। और पानी का महत्व समझने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। बहुत सारी जगह पर पानी का अपव्यय यानी नुकसान, बिगाड़ करते हैं, तो वह करना नहीं चाहिए। अब पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, और इसीलिए तो आप लोग विज्ञान के अंदर समझाते हैं। हवा, पानी अने खोराक आपड़ा मूल स्त्रोत्र छे, एना ऊपर तो आपे जीविए छे, है ना। यानी कि हवा, पानी और खोराक, ये तीन चीज हमें चाहिए सबको, सिर्फ इंसान को नहीं, प्राणियों को भी, वनस्पतियों को भी। हवा चाहिए, पानी चाहिए, खोराक चाहिए। तीन में से कोई एक ना हो तो हम मुरझा जाते हैं, और इसीलिए पानी का महत्व समझना बहुत जरूरी है। आज कुछ प्रश्न हम देखते हैं जो हमारे पाठ के खत्म होने के बाद अभ्यास के अंदर है। तो पहला प्रश्न क्या है, तो आपके गांव या शहर में पानी के स्त्रोत्र कौन कौन से हैं। स्त्रोत्र यानी पानी कहाँ से आता है। गांव हो या शहर हो, सभी जगह पर पानी होता ही है। हाँ, शहर हो तो वहाँ पर नदियाँ नहीं बहती, गांव हो तो वहाँ पर जगह जगह पर हमें नदियाँ या तालाब या फिर कुएँ दिखाई देते हैं, तो वह हमारा पानी का स्त्रोत्र है कि जहाँ से हम पानी ले सकते हैं, है ना। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, तो कुआ, नदी, तालाब, चेक डैम यानी नहर जो कहते हैं, डैम से सभी जगह नदियों का पानी इकट्ठा करके फिर वहाँ ऊपर से पानी लाया जाता है, चेक डैम। ट्यूबवेल यानी बहुत सारी जगह पर से पानी इकट्ठा करके वहाँ से एक बड़ी सी टंकी बना देते हैं, और
सभी जगह का पानी उसमें आकर फिर हम और दूसरी जगह के आसपास के जो छोटे छोटे गांव है या शहर के कुछ सोसाइटी होती है वहां हम देते हैं और ट्यूबवेल, बराबर। तो ये ट्यूबवेल आदि हमारे गांव या शहर के पानी के स्तोत्र है, समझ गए आप? तो पानी के स्तोत्र नदी, तालाब, चेकडैम, कुआ, ट्यूबवेल, इतने शब्द यानी के नाम याद रखने हैं। अब आगे प्रश्न देखते हैं, तो हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? हमने बात शुरू करने से पहले ही कहा था कि पानी हम कहाँ कहाँ उपयोग में लेते हैं। तो सुबह से उठते हैं तब से हमारा पानी का काम शुरू हो जाता है, बिना पानी कुछ काम नहीं होता। सुबह उठो, हमारे नित्य क्रम करने जाना है तो वहाँ पर भी हम पानी का उपयोग करते हैं, जिन्हें आप लोग टॉयलेट कहते हो, वॉशरूम कहते हो, पानी चाहिए। जो पानी नहीं होगा तो जगह गंदी हो जाएगी, बास मारेगी, बदबू आएगी, है ना? मुंह साफ करो, ब्रश दातुन करते हो, वहां पर भी पानी चाहिए। चाय या दूध या कुछ भी करो तो पानी चाहिए। नाश्ता बनाओ तो पानी चाहिए, खाना बनाओ तो पानी चाहिए, नहाना है, स्नान करना है तो पानी चाहिए। हर जगह पर हमें पानी ही पानी चाहिए। तो पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है देखते हैं। हम पानी का उपयोग नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, सब्जी आदि धोने में, पीने में, रसोई बनाने में, खेतों में आदि हर जगह हम पानी का उपयोग करते हैं। तो ये आपको जैसे भी याद आए आप लिख सकते हो। तो याद रखना है कि पानी का उपयोग हम कहाँ करते हैं। अब आगे प्रश्न, पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए, अपव्यय यानी बिगाड़ नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं, यानी कि लोग जो पानी का बिगाड़ करते हैं, नुकसान करते हैं, वो कैसे करते हैं? कुछ आपको याद होगा जो आपको बताना है, बराबर। तो कैसे करते हैं? तो लोग पानी का अपव्यय इस तरह करते हैं, कैसे? तो पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं। बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं कि पीने का पानी होता है उसी से हाथ पैर धोते हैं, कुछ तो बर्तन भी घिसते हैं। कुछ लोग पानी पीना इतना है पर लोटा भर के, ग्लास भर के ले लेते हैं और फिर थोड़ा सा पीकर बाकी फेंक देते हैं। तो ये हमारा पानी का अपव्यय हुआ। हमें पानी जितना पीना है उतना ही लो, हो सके तो जो आपने लिया है उसमें से बचता है तो वो पानी ढंक दो, दूसरी बार आपको पीने में काम आएगा। तो हमें पानी का अपव्यय करना चाहिए नहीं। नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं, वो चाहे पीने का पानी भरना हो या टंकी भरनी हो या फिर बर्तन घिसते हो, कपड़े धोते हो, तो नल चालू रखकर फिर आप यहाँ वहाँ जाते हो या फिर जो पानी भर जाता है तो जाने देते हो। तो ये हमारा बिगाड़ है, अपव्यय है, जो हमें करना चाहिए नहीं। कपड़े धोते हैं, बर्तन घिसते हैं तो हम वहीं पर रहते हैं, तो वहाँ पर जो रहते हो
तो आपका जो बर्तन है वो भर गया हो तो आप नल बंद कर दो, कपड़े धोने हैं तो अभी नल बंद कर दो, जब चाहे वह चालू करो या जितना चाहिए उतना ले लो। तो इस तरह से भी पानी का अपव्यय करना चाहिए नहीं। पानी योग्य पानी से, सॉरी, पीने योग्य पानी से जीप, ट्रैक्टर आदि धोते हैं, जैसे कि नदी, नदी का पानी पीने के लिए काम में आता है, तो वहां पर जाकर जीप धोते हैं, वो जो खटारा आता है वह धोते हैं, भैंसों को नहलाते हैं, कपड़े भी धोते हैं, तो वह पानी गंदा भी होता है और वह गंदा पानी कोई पीता नहीं है, तो वह अपव्यय है। तो ऐसा काम मत करो। हमारे घर में जो भरा हुआ है तो उससे जीप, हमारी टू व्हीलर गाड़ी होती है, फोर व्हीलर गाड़ी होती है, वह धोते हैं, तो ऐसे धोना नहीं चाहिए, वो हमारा बिगाड़ है। बराबर। टपकते नल को बदलते नहीं। घर में बहुत सारे कभी कभी नल बिगड़ जाते हैं और उनमें से पानी टपक 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 गिरता रहता है, तो वो नल जल्दी हमें बदल देना चाहिए, इनसे हमारा पानी का अपव्यय होता है, तो वो हमें करना चाहिए नहीं। तो इस तरह से ये पानी का अपव्यय जो होता है वह आपको बताया कि कहाँ कहाँ करते हैं हम, तो इस सारी जगह पर हम पानी का अपव्यय करते हैं जो हमें करना चाहिए नहीं। अब आगे प्रश्न है, पानी का अपव्यय न हो, पानी का अपव्यय न हो, इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? तो हमें ये अपव्यय रोकना है तो क्या करना चाहिए? तो पानी का अपव्यय न हो इस हेतु से जलाशयों पर सूचनाएं लिखूंगा या लिखूंगी। जलाशय होता है, जलाशय यानी पीने का पानी जहाँ से हम लेते हैं, वो वहाँ पर सूचना लिख दो कि पानी का बिगाड़ न करो, जितना चाहिए उतना लो। इस तरह से सूचना लगाएंगे। टपकते नल बंद करवाऊंगा या करवाऊंगी। जहां पर नल टपकते हैं, रास्ते में भी बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर नल रखे होते हैं पीने के पानी के लिए, टंकी होती है और नल रखे हैं, दो तीन एक जो भी है, तो वो कभी कभी पानी टपकता रहता है, तो वह नहीं होने देंगे। किसी के घर में हम जाते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं तो कोई कोई तो टपक 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 नल चालू रखते हैं, नल बिगड़ा नहीं होता है, रखते हैं, तो वो भी हमें करना नहीं चाहिए, तो वो मैं रुकवाऊँगा। पीने योग्य पानी का जरूरत के मुताबिक उपयोग करूँगा या करूँगी, यानी कि हमें जितनी ज़रूरत है उतने ही पीने के पानी का उपयोग करेंगे। पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को समझाऊंगा। जो किसी को पता नहीं है तो हम उसे समझाएंगे कि पानी का अपव्यय करना चाहिए नहीं, पानी हमारे लिए कितने काम का है, आज पानी है कल नहीं होंगे तो हमें पहले से कहते आए थे कि पानी को बचाओ। आज हम पानी, पीने का पानी पैसों से लेते हैं, घर में बड़ा सा पानी की बॉटल लाते हैं, मंगवाते हैं, बाहर जाते हैं तो 10 रुपये 20 रुपये की बॉटल लेते हैं और पानी पीते हैं, तो आज हमें पानी पैसों से लेना पड़ता है, कल
जो हम अभी भी पानी का बचाव नहीं करेंगे, अपव्यय नहीं रोकेंगे, तो कल ऐसा समय आएगा जो हमें पैसों से भी पानी नहीं मिलेगा, तब हम क्या करेंगे? तो आज से हमें पानी का अपव्यय रोकना है, समझ गए? तो इतने चार प्रश्न आज हम लिखेंगे, समझे हैं? अपने शब्दों में लिखने का प्रयत्न कीजिए और आप उन्हें समझिए। ओके, थैंक यू।